हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग आइकिया आए हैं। मेरा काफ़ी टाइम से मन था आइकिया जाने का, पर इंडिया में मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बाहर आते ही यहाँ पे बहुत क्यूट सा कैफ़े था, हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पे हम लोगों ने सैंडविचेस एंड कॉफ़ी वगैरह ली। एंड यहाँ पर चिकन सैंडविच ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बिकॉज सब में बीफ वगैरह थी। अंदर आते मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। बहुत ही प्यारे प्यारे डिस्प्ले थे। एंड सबसे पहले हम बेडिंग काउंटर में आए, तो हम लोगों को कुछ सामान लेना था, हम लोगों ने वो लिया। देन उसके बाद हम लोग गए प्लांट्स वाले सेक्शन में, जहाँ बहुत ही बड़ा सेक्शन था प्लांट्स का, इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स। एंड ये सब ओरिजिनल प्लांट्स थे जो आप सामने देख रहे हो। एंड आप लोगों को पता ही है हम लोगों को प्लांट्स कितना पसंद है, कितनी ग्रीनरी पसंद है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे प्लांट्स लिए। एक पूरे बड़े से एरिया में लोगों ने सॉफ्ट टॉयज ही लगाए हुए थे। एंड यहाँ पे डॉग देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है असली का होगा। एंड बहुत ही प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज थे, एलिफेंट था, टॉर्टोइज थे। शॉपिंग करते करते हम थक गए थे, तो हम आ गए हैं ऊपर आइकिया की जो कैंटीन होती है। इंडिया में तो इसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता जितना मैंने यूट्यूबर्स को देखा है। यहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है खाना। एंड काफ़ी कुछ ऑप्शंस है खाने में, तो देखते हैं क्या क्या है। ये क्या है? सबने लिया था है कुछ चीज केक टाइप का। ये दे जेली राइस। ये है ब्रेडेड फिश, वो सैल्मन फिश। थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ ट्राई किया। एंड यहाँ का खाना मुझे कैसा लगा एंड हमने क्या क्या ट्राई किया आप वो मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। पेट पूजा के बाद हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग के लिए वापस। एंड यहाँ पे सोफे थे बहुत ही सुंदर सुंदर एंड कंफर्टेबल, उससे भी ज़्यादा थे। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आइकिया में बड़ी चीज़ें कैसे परचेज करते हैं, जो कि मुझे भी पहली बार पता चला है। तो सारे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट कोड होता है, आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है उसकी आप प्रोडक्ट कोड की फोटो क्लिक कर लो। देन उसके बगल में बहुत ही प्यारा सा लिविंग रूम का सेटअप था, बहुत ही क्यूट एंड कोजी सा। यहाँ पे किड सेक्शन भी बहुत प्यारे थे, हम लोग किड सेक्शन में गए। एंड हम लोगों को वहाँ पे चेयर टेबल पसंद आई, तो हमने आदि के लिए चेयर टेबल ली। देन यहाँ पे ग्रीन रूम था, जो कि हमारे इंडिया वाले घर की तरह ग्रीन रूम की तरह लग रहा था। एंड उसके बगल में एक बहुत ही प्यारा सेटअप था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही वाइब्रेंट सी वॉल थी, जो कि आपका लिविंग रूम विद स्टडी रूम के साथ था। एंड बहुत ही ज़्यादा विंटेज वाइब दे रहा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये रूम आप को कैसा लगा कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना मैंने नोटिस करा बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी का यूज़ करा था डेकोरेशन के लिए। एंड कैंस एंड बैम्बू वगैरह का जो है डेकोरेशन, आई थिंक वो इन ट्रेंड है। एंड बोहेमियन थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था यहाँ पर। एवरी थिंग जहाँ पे किचन सेटअप थे, बेड थे, जो लाइट्स थी, सब कुछ कैन के थे। एंड ये बहुत ही प्यारा ड्रेसिंग रूम था गर्ल्स के लिए। आई विश फ्यूचर में कभी मेरा ड्रेसिंग रूम हो। एंड बहुत ही सुंदर लगा मुझे वाइट थीम में। शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं एक बड़े से हॉल में, जहां पे बहुत ही बड़ा सा गोडाउन है। एंड यहाँ पे आइल्स हैं, लाइक आइल 21, 19 ऐसे करके। एंड आप जब प्रोडक्ट कोड को अपने आइकिया ऐप में डालोगे ना, तो आपको वो आइल सजेस्ट करता है कि कौन से आइल में आपका सामान है, कौन से रैक में। तो आप उस आइल और उस रैक पे आप जाओ, आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉपर पैक्ड न्यू पीस आपको मिल जाएगा। एंड आप उसको लेके फिर बिलिंग काउंटर पे जाके अपना बिलिंग करा सकते हो। तो इसलिए वो लोग प्रोडक्ट कोड डालते हैं, जैसे सोफ़ा है कुछ बड़ा बड़ा। छोटा सामान तो आप लोग अपनी ट्रॉली में कैरी कर सकते हैं, जो बड़ा सामान है जो भी आपको पसंद आया आप उसका प्रोडक्ट कोड नोट कर लीजिए एंड फिर यहाँ से पिक करके बिलिंग करा लीजिए। आज बारिश हो रही थी इसलिए हम लोगों ने सोचा शॉपिंग चले जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा रश था, इतनी लंबी लाइन थी बिलिंग काउंटर्स में, बहुत ज़्यादा काउंटर्स थे, स्टिल सब पूरे पैक्ड एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड उसके बाद हम लोग गए डीकैथलॉन, जहाँ पर मुझे टेंट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। इतना बड़ा टेंट था, ऐसा लग रहा था घर है। एंड मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, इसमें रूम्स भी थे, लेफ्ट में एक रूम था, राइट में एक रूम था एंड बीच में सिटिंग थी। एंड या दैट वाज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। बाय।